अंदर और बाहर हम लोग डेली प्रत्येक दिन सर्च करते हैं कि कहीं कोई ऐसी दिक्कत न हो। दो दिन से सर आप एक मिनट चुप यार भाई बोलने दो जी जी, जी, जी सर रात में एसओजी की टीम आई, एडिशनल एसपी साहब खुद आए, राहुल मिठा साहब क्यों आए थे? हम क्या? लोग हमेशा आते हैं। अरे छतरी क्यों सही कर रही है? कल रात हम यहाँ पे थे, कोई टीम यहाँ कोई टीम अंदर नहीं गई। आज बड़ी संख्या में फोर्स थी, आज ही फोर्स है। तो बाबा ने कल यहाँ थे ना, आज यहाँ है। हाँ तो अचानक से रात में आने के नाम का दारू की तलाश में आए। भाई एक मिनट यार, एक एक करके पूछो अंदर कितने लोग हैं, कितने अनुयायी हैं, सेवक हैं, जो भी सेवादार कितने हैं? 50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से, वही वहाँ पर अभी भी हैं। हाँ महिलाएं भी हैं, महिला पुरुष सब हैं। तकरीबन 1.25 घंटे तक आप लोग अंदर रहे हैं, तो ऐसे में 1.25 घंटे में ऐसा नहीं, हम लोग ड्यूटी बाहर के लिए चेक करते हैं। और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगवाना रहे। 1.25 घंटे तक आप लोग भी अंदर थे। सीडीआर की जांच हुई, पता लगा कि बाबा अंदर ही मौजूद है। कई अनुयायियों के निकाला उसके बाद आ गए। लेकिन सर 1.25 घंटे तक आप लोग आश्रम के अंदर रहे। आप तो ड्यूटी चेक करते हैं भाई। सर 1.25 घंटा ऐसा फुल चेकअप हम अंदर अंदर गए नहीं है, कहां से कर रहे हैं आप? अपनी सुरक्षा की मांग रहे हैं सर, सुरक्षा सैया बढ़ाने की जरूरत है। न एसओजी की टीम अंदर थी, न हम अंदर थे। हम लोग ड्यूटी बाहर देख रहे हैं, और जो हमारे लोग हैं वहाँ पर वो लगातार वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्या ड्यूटी कर रहे हैं ये हम लोग चेक कर रहे हैं। यानी कि आप आश्रम के कंपाउंड के अंदर थे, मेन आश्रम में नहीं थे? अरे भाई, न कंपाउंड के अंदर थे, न बाहर थे, बाहर है भाई, दरवाजे के अंदर। दरवाजे के अंदर से निकले हैं सर आप लोग, कैमरे पर है सर, कैमरे पर है, कैमरे के अंदर है। हम बाहर ड्यूटी चेक कर रहे हैं, कैमरे के अंदर भाई, कैमरे कहां दिखा देते हैं सर, लेकिन बताएंगे सब कुछ अंदर क्या क्या हुआ। चलिए भाई कैमरा ऑन कीजिए और दिखाइए भैया कैमरा। आपका कहना बाबा अंदर नहीं थे? कंफर्म है बाबा अंदर नहीं थे, न कल थे न आज हैं। सुरक्षा आप भोले बाबा की शिष्य हैं? हाँ जी। कितने दिनों से हैं? हो गई कम है गई 5-6 साल है, 6-7 साल तक जुड़े हैं परमात्मा। हमारी सासू माँ जुड़ी थी तो मैं भी जाती थी सत्संग में जी। हाँ क्या मानते हैं आप? हम परमात्मा मानते हैं उनको, नारायण साकार हरि मानते हैं। हाँ और उनका सत्संग भी करते हैं जी। और कल हमारी सासू माँ गई थी, बोली तुम चली जाओ। मैंने कही माँ मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, तुम चली जाओ। वो सुरक्षित लौट आई? वो सब कुछ अच्छी तरह से चली आई, और प्रभु की रहमत हम पे भाई। इसलिए हम गए ना हर जगह सत्संग करने। इधर बिछमा में हुआ था, वहाँ भी गए थे हम सत्संग। हाँ हम सत्संग करने गए थे, और परमात्मा मानते हैं उनको, और उनकी खूब वो करते हैं। हम हमारा सब परिवार जाता है उनका, उन्हीं में जुड़ा है, और सब लोग सही सलामत है। बहुत भीड़ थी वहाँ पर जहाँ सत्संग हुआ था कल, तहाँ बहुत भीड़ थी, और बिछमा भी बहुत भीड़ थी। बहुत कितनी मौतें हुई है? 116 लोगों, 116 से ज्यादा मौतें हुई है। 116 से ज्यादा मौतें लोग बता रहे हैं, पर हमने तो खैर ना देखी, पर सुन रहे हैं कि 116 लोगों की मौत हुई थी, पर हमारी सास तो 3 बजे ही आ गई। क्या मानती है ये, जब वो प्रभु थे तो उन्हें ये सब पता? क्या क्या कहेंगे? वो तो परमात्मा है, वो तो अंतर्यामी, वो तो सब जानते हैं, वो तो प्रभु है, वो तो सब जानते ही है। पर अब पब्लिक है, पब्लिक के मूड की कोई पता ना है। अब प्रभु थोड़ी ना कहते हैं कि तुम उनके सूदे भाजो, पब्लिक है, पब्लिक जितना मूड उठेगा उतना भाजती है। कौन जिम्मेदार है? अब पब्लिक जिम्मेदार है, पब्लिक ही जाना उनकी सीधी भाजती। प्रभु थोड़ी ना कहता कि तुम इधर उधर भाजो, प्रभु तो सब कुछ सावधान अच्छी तरह बनाता। अब पब्लिक भाजत है, हाँ सब कुछ अच्छा कर दिया है प्रभु ने, और प्रभु बैठे भी बता, वचन भी दिए, और वचन में प्रभु ने सैनिष्ट कहा कि बचने वाले बच जाओ, और जो मरने वाले तो वो मरेंगे ही मरेंगे। आप कब से विश्व हरि भोले बाबा से जुड़ी हुई है? हमें तो 28 साल से ज्यादा है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 60 साल की। आप 28 वर्ष से जुड़ी हुई है। ये जो कल हादसा हुआ है, कैसे हुआ है आपकी जानकारी में? आप कल गई थी वहाँ? हम तो कल गए, और हाँ सत्संग में गए, और खूब भीड़ आई, और तो बैठ नहीं रही, सब ठाड़ी ठाड़े हाथ करें। कितनी भीड़ हो गई? बहुत भीड़ आई, इतनी बहुत ज्यादा भीड़ आई। कितनी भीड़ हो गई? ऐसी होगी 4-4 लाख की भीड़ आई। हाँ और वे सब ऊपर को हाथ करें और ठाड़ियां रही, और वे तो बैठिए ना आई। कहते हम तो प्रभु मानते हैं, हमारे तो साथ साथ विनय की कृपा इतनी है कि हम कुछ बता ना सकत। हम पे तो इतनी कृपा है, हम पे तो कछु भी ना हो। आदमी जो कहते
जब बेच के भाग जाएंगे, जगह ही हम पे खाली, और उन्हीं की कृपा से आज हमारे देखो दो बहू हैं और सब बाली बच्चा सही है। तो उनको आप क्या मानते हैं? हम तो परमात्मा मानते हैं। कोई चमत्कार भी देखे? बहुत देखे हैं चमत्कार, बहुत देखे हैं। क्या बहुत? प्रभु जब खत छत पर तो हमारी छोटी बच्ची गिर गई, तो एकदम बच्ची उठाई तो कुछ नहीं था, और जब लेके चले तो एकदम परमात्मा को जयकारो लगाओ, तो लगाओ प्रभु आप या मेरो कोई ना है, तो मेरी बच्ची की आंखें खुल गई और मेरी बच्ची एकदम बोली मम्मी जी। मैं मुँह पे तो बहुत ही कृपा है माता जी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वे तो बदनाम कर रहा है, मौतों के जिम्मेदार हाँ, वे तो बदनाम कर रहा है और परमात्मा है जी, अब वो कुछ है जाएगो तो वे सच पे आँच कहूंगे ना। उन्हें पता तो प्रभु थे हाँ, वे तो प्रभु है। इतनी मौतें होनी है मैंने मालूम थी जी। अब वे जाई वजह से कल जंदी बैठे और जंदी उठ गए और इशारों कर गए। आप ये कल जो हादसा हुआ है हाथरस के सिकंदरा राव में, बड़ा हादसा हुआ है और बाबा का समागम था, सत्संग था, क्या आप भी वहाँ पर गई थी? हाँ गई थी जी। क्या क्या हुआ था वहाँ? सत्संग हो रहा था, खूब अच्छी तरह से हुआ सत्संग। हम तो कब की जुड़ी थी प्रभु है, सालों से आप जुड़ी हुई है? हमें कम से कम 25 साल है वहीं जाते जुड़े जी, और हमने सब कुछ देख लिया और सब कुछ भी सही है, प्रभु है, परमात्मा है भी, लेकिन मालिक की कृपा थी तो देखो जो बचना था तो बच गया, और नहीं बचना जिसकी मतलब तो जान चुके थे कि होना है जो क्या क्या जान चुके थे, वे जान चुके थे कि ये मौत होनी है, सब कुछ है भी तो परमात्मा थे। 16 लोगों की मौत होनी है ये जान चुके थे? हाँ जी जान चुके थे। आपने कोई चमत्कार ऐसा? हाँ हमने चमत्कार खूब देखा, हमने 25 साल हो गई, हमने खूब चमत्कार देखा। मेरा बेटा बीमार था, मैंने अपना सिर मार दिया आए के, अपने जो छवि धरी थी उसके अगला, तो प्रभु ने हाँ तस्वीर थी तो उसके अगला हमने सिर मार दिया, तो मेरा प्रभु ऐसी कृपा करी मेरा बच्चा ठीक होकर घर पे आ गया। हम तो जानते है बहुत चमत्कार है, प्रभु बहुत परमात्मा है और मालिक है। भोले बाबा हाँ सूरजपाल तो साकार बिस्तरी हम तो बोलते हैं। हाँ, क्या मानते हैं? हम तो मैंने परमात्मा करके मानते हैं, साकार बिस्तरी बोलते हैं हम तो। और कुछ चमत्कार देखा आपने? बहुत चमत्कार, सब कुछ चमत्कार होता है, हमने कुछ चमत्कार क्या देखा, हमने जो पन हमारी कृपा भाई है वो तो हमारा चमत्कार ही है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वो तो गलत लगा रहे हैं, वो तो गलत लगा रहे, वो तो होना था वो तो होगा, उनको सब कुछ मालूम था, उनको पता था। हाँ सब कुछ मालूम था, जब परमात्मा है तो उन्हें सब कुछ मालूम था। नहीं तो ये हादसा हुआ कैसे बता रहे हैं कि लोग उनके चरणों की धूल लेने के लेकर के भगदड़ हो गई थी? अब चरण ये तो हमें नहीं मालूम, चरण की धूल लेने गए कि जन नाले में गिर गए, जो तो भीड़ में जो हड़चल मच गई तो उसी में तो खत्म हो गई, उनकी क्या गलती है? कितने लोग खत्म हुए आपको पता? अब तो जितना हमें नहीं मालूम, कब ज्यादा ही हुई है खत्म, 16 लोगों की मौत हुई है। हाँ वो तो हुई है, 27 लोगों जिम्मेदार क्यों है? वो जिम्मेदार क्या है? जिम्मेदार मानती है वो तो भीड़ को, जिम्मेदार भीड़ है वो तो भीड़, आप हम करेंगे तो वो करेंगे वो होगा।